हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से हम आज जी रहे हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। और प्लांट्स हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, ये हमें कई सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि इनसे हमें मेडिसिन मिलती हैं, शेल्टर्स मिलते हैं और हमें वुड मिलता है। तो ये हमारे लिए, हमारी लाइफ का हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए आज हम लोग अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानते हैं। और इस चैप्टर के एंड में आपको मैं जो की पॉइंट्स दूंगी, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा, एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। तो द वर्ल्ड ऑफ प्लांट, आइए प्लांट की दुनिया में चलते हैं हम लोग। वी सी प्लांट्स अराउंड अस, हम जो है प्लांट्स को अपने चारों तरफ देखते हैं। दे मेक अवर वर्ल्ड कलरफुल, उनकी वजह से हमारी पूरी दुनिया कलरफुल है। प्लांट्स कैन ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, प्लांट्स जो है जमीन पे भी उगते हैं और पानी में भी उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट टू, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट माने की यानी कि रेगिस्तान में भी उगते हैं। प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड लोटस ग्रो इन वाटर, वाटर लिली और लोटस ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में उगते हैं। And plants like cactus grow in the desert. और cactus हमारा कहाँ उगता है? Desert में, रेगिस्तान में। Plants are our friends. Plants हमारे दोस्त होते हैं। We get food, medicine, cotton, jute, etc. हम लोग को plants से क्या क्या मिलता है? Food, medicine, cotton, jute, etc. from plants. Apart for this, plants release oxygen which we need to survive. इसके अलावा plants हमें और क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जिनसे हम जिंदा रह पाते हैं। अगर हमें प्लांट्स ऑक्सीजन ना दे तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जनरली प्लांट्स हैव सिक्स पार्ट्स, प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? सिक्स पार्ट्स होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं उनके? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ये है प्लांट्स के सिक्स पार्ट्स। आइए रूट्स के बारे में जानते हैं। रूट्स, द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। रूट का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन क्या होता है? कि वो प्लांट को सपोर्ट करता है। रूट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। और रूट क्या करता है कि वो जमीन से जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिससे कि प्लांट को ग्रोथ होने में मदद मिलती है। प्लांट का सबसे बेसिक पार्ट होता है रूट। प्लांट की स्टार्टिंग रूट से होती है। जब एक छोटा सा बीज आप मिट्टी में डालेंगे तो सबसे पहले उसमें से रूट निकलती है। वी ईट सम रूट्स, कुछ ऐसी रूट्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं। सम पॉपुलर रूट्स वेजिटेबल्स आर ओनियन, स्वीट पोटैटो, टर्निप्स, जिंजर, गार्लिक, रेडिश, बीटरूट एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी हैं जिनको हम लोग खाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको ओनियन जो है, ओनियन रूट होती है। स्वीट पटर ये भी एक रूट है, प्लांट का रूट है, क्योंकि ये जमीन के अंदर होता है। जो भी चीज़ जमीन के अंदर उगेगी वो हमारा जो है रूट होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेम, द स्टेम इज द सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होती है वो प्लांट का सपोर्टिंग पार्ट होता है, जो प्लांट को जमीन के ऊपर उगने में मदद करता है, जमीन के ऊपर खड़े रहने में मदद करता है। अगर स्टेम नहीं होगी तो प्लांट हमारा जमीन में लेटा रहेगा, गिरा रहेगा। इसलिए स्टेम बहुत जरूरी होती है प्लांट को खड़े होने में। इट ऑल्सो कैरीज द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। स्टेम क्या करती है? रूट से जो है वाटर और मिनरल्स को लेती है और पूरे प्लांट में फैलाती है, उनके लीव्स में, उनके फ्रूट्स में, उनके पूरे पार्ट्स में जो है स्टेम के थ्रू ही जाते हैं वाटर और मिनरल्स। वी कंज्यूम स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक एस्परगियस एंड सेलरी एक्सेट्रा। लीव्स, लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीव्स क्या है? लीव्स प्लांट की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। अगर प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो क्या प्लांट हमारा जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो लीव्स जो है प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लीव्स किसके थ्रू जो है खाना बनाती हैं अपना? सनलाइट,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको मिला के लीव्स अपने लिए खाना बनाती हैं। सम लीव्स सच एज लैक्टस एंड स्पेनिच आर ईटन एज वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी लीव्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, हर प्लांट की अपनी अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं। सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स, कुछ की छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, कुछ की टेढ़ी मेढ़ी होती है, सबकी अपनी अलग अलग होती हैं। नीम, करी लीव्स, मिंट लीव्स, जैसे सबके देखिए नीम की लीव, करी लीव्स और मिंट लीव्स ऐसी होती हैं जिनकी किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की बहुत बड़ी, अलग अलग रहती है। ठीक है, सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स, कुछ की बड़ी लीव्स होती है, बनाना और लोटस। ठीक, फ्लावर, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, ज्यादातर प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स मेक द प्लांट्स ब्यूटिफुल, फ्लावर्स की वजह से हमारे प्लांट्स सुंदर दिखते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव स्वीट फ्रेग्रेंस, और उनमें बहुत ही प्यारी सी या बहुत ही अच्छी एक स्मेल आती है, जैसे रोज की स्मेल बहुत अच्छी होती है, सनफ्लावर बहुत स्मेल करता है। डिड यू नो कॉलीफ्लावर इज अ वेजिटेबल बट इट इज अ फ्लावर, कॉलीफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो वेजिटेबल में काउंट किया जाता है। ओके, फ्रूट्स, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, कुछ फ्रूट्स के अंदर बीज होता है। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईटन आर रियली फ्रूट ऑफ प्लांट, कुछ जो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं वो प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो, टमाटो, पपाया, ये हम लोग जो खाते हैं ये सब प्लांट्स के फ्रूट्स हैं। सीड, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, काफी प्लांट्स जो हैं सीड से ग्रो होते हैं। सीड आर ऑफ मैनी काइंड्स, सीड्स कई तरीके के होते हैं। सम प्लांट्स लाइक मैंगोज हैव वन सीड, मैंगो में एक सीड होता है। सम प्लांट्स लाइक टमाटोज हैव मैनी सीड्स, टमाटोज में देखिए छोटे छोटे कई सारे होते हैं। वी ईट सम सीड्स, कुछ ऐसे हैं जिनके सीड्स हम लोग खाते हैं, जैसे किडनी बीन, राजमा, राइस, पी, वीट, एप्पल एक्सेट्रा, ये सब हम लोग खाते हैं। थॉर्न्स माने होते कांटे। सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स, कुछ प्लांट्स में कांटे होते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हर्बीवोरस, जो कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स से। हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फूल पत्ती खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि गोट हुई, काउ हुई, ये हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ये हमारे जो है फूलों को खा लेते हैं, इसलिए जो है इनमें कांटे होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बेस्ड ऑन द ग्रोथ हैबिट प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फाइव टाइप्स, फाइव ग्रुप्स। जो प्लांट्स की जो ग्रोथ वाली हैबिट होती है, ग्रोथ की क्योंकि किस शेप में बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, जिस उनकी जो ग्रोथ की हैबिट होती है उसके हिसाब से प्लांट्स को डिवाइड किया गया है फाइव पार्ट्स में। पहला क्या है, हर्ब्स, द हर्ब इज अ स्मॉल प्लांट, हर्ब्स जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं विद डेलिकेट स्टेम्स, जिनकी स्टेम्स बहुत पतली होती हैं एंड विदाउट वुडी टिश्यूज, और उनके अंदर लकड़ी का कोई पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल पतली पतली होती हैं, जैसे कि पत्ती टाइप की उनकी स्टेम्स होंगी। मैनी हर्ब्स कंटेन न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, कई सारी हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशंस होती हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी डाइट, जो हमारी हेल्दी डाइट के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जैसे वीट, पैडी राइस, कैबेज, टमाटो, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी हेल्दी न्यूट्रिशंस होती हैं। शर्ब्स, शर्ब्स आर टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन अ ट्री, तो शर्ब्स होती हैं वो हर्ब से तो बड़ी होती हैं लेकिन ट्री से छोटी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जिनको हम कह सकते हैं, जैसे रोज, जैस्मिन, लेमन, तुलसी एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीज, ट्रीज आर टॉलर प्लांट्स, ट्रीज क्या होते हैं, सबसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, खूब लंबे लंबे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। दे हैव वेरी थिक एंड हार्ड स्टेम्स, इनमें बहुत ही थिक और बहुत ही मोटा इनका तना होता है, खूब मोटे मोटे तने होते हैं, कॉल्ड द ट्रंक, उनको हम लोग ट्रंक कहते हैं, तना। दिस सिंगल मेन स्टेम और द ट्रंक गिव्स राइज टू मैनी ब्रांचेस डेट बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो एक ये सिंगल तना जो होता है इसमें से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, कई सारे इसमें से तने निकलते छोटे छोटे पतले पतले जिनमें कई सारी लीव्स होती हैं जो हमारे जिसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। सम ट्रीज लाइक कोकोनट ट्री हैव नो ब्रांचेस, कोकोनट ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा एक तना जाएगा, सिंपल। मैंगो ट्री और बानियन ट्री ऐसे जिनमें देखा ही होगा आपने कितनी ब्रांचेस होती हैं, उनमें हमारे कितने सारे मैंगोज टंगे रहते हैं आपने देखे होंगे। क्लाइंबर्स,
क्लाइंबर्स हैव अ वेरी वीक स्टेम. क्लाइंबर जो होते हैं ऐसे पेड़ होते हैं जिनको आपने देखा होगा जो बिना किसी सहारे के ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, बिना किसी मदद के जो है खड़े नहीं हो पाते हैं. हम लोगों ने कई बार अपने घरों में मनी प्लांट लगाया होगा, अंगूर लगाया होगा. मनी प्लांट देखिए, मनी प्लांट को हमेशा हमारे मम्मी लोग किसी ना किसी चीज के ऊपर उसको चढ़ाती हैं, किसी रस्सी से बांधेंगी या किसी स्टिक पर चढ़ाएंगे, क्योंकि वो पड़ा रहता है जमीन पर. वो क्लाइंबर है हमारा, उसकी बहुत ही वीक स्टेम होती है. विच डू नॉट सपोर्ट द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, जो ऐसी उसकी जो ऊपर खड़े होने में मदद नहीं कर पाता है. बट दे कैन यूज एक्सटर्नल सपोर्ट टू क्लाइंब अप, लेकिन वो एक्सटर्नल सपोर्ट करता है ऊपर चढ़ने के लिए, किसी चीज के ऊपर ऐसे चढ़ने के लिए. दिस टाइप ऑफ प्लांट्स हैव टेंडल्स टू क्लाइंब, उनको जो है चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए. जैसे पी प्लांट, ग्रेप वाइन, स्वीट ग्राउंड, मनी प्लांट, जैस्मिन, रनर, बीन्स एक्सेट्रा. क्रीपर्स, क्रीपर्स ऑल्सो है वेरी वीक. क्रीपर्स भी जो है बहुत वीक होते हैं. लॉन्ग एंड थिन स्टेम, इनकी बहुत ही लंबी और बहुत ही पतली स्टेम होती है. इट कैन नॉट सपोर्ट द प्लांट टू स्टैंड, ये प्लांट्स को सपोर्ट नहीं कर पाते खड़े होने में. इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर पड़े रहते हैं. दे ग्रो ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड में ग्रो करते हैं. जैसे वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन एक्सेट्रा, देखिए ये क्या है, जमीन पर ही ग्रो करेंगे, इनको आप जो है खड़ा नहीं कर पाएंगे. Based on the habitat, plant are broadly classified into the following types. अब कुछ प्लांट्स की कुछ habits होती है, habitat, उनके बारे में हम लोग जानते हैं. Terrestrial plants, plants that grow on land. Terrestrial plants वो plants होते हैं जो land में grow करते हैं. जैसे हमारा mango, banana, banyan, ये ऐसे plants हैं जो हमारे land में grow करते हैं. The fastest growing plant on the world is bamboo, which has been found to grow up to 91 centimeter per day. सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है, बैम्बू ट्री, जो 91 सेंटीमीटर पर डे ग्रो करता है. एक्वेटिक प्लांट, प्लांट डेट ग्रो इन वॉटर. एक्वेटिक प्लांट कौन सा प्लांट है, ऐसे प्लांट जो पानी में उगते हैं, जैसे वॉटर लिली, लोटस. बनाना कंटेन नेचुरल केमिकल एंड कंपोनेंट्स डेट कैन मेक पीपुल हैप्पी. आपको पता है बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर नेचुरल केमिकल और कंपोनेंट्स होते हैं जिसको खाने से आदमी खुश हो जाता है. सो इट वुड नॉट बी रॉन्ग इफ वी से इट इज अ हैप्पी फ्रूट. बनाना कैसा फ्रूट है, एक हैप्पी फ्रूट है. इसमें ऐसे जो है केमिकल्स और कंपोनेंट्स होते हैं जिनको जब हम खाते हैं तो वो हमको खुशी देते हैं, हमें एक खुशी आती है, इसलिए बनाना को हैप्पी फ्रूट भी कहा जाता है. डेजर्ट प्लांट, प्लांट्स डेट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग ड्राई सीजन. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गर्मी में और बहुत ही सूखी जगह पे उगते हैं. जनरली दे हैव थिक, जनरली ये मोटे होते हैं, फ्लैश लाइक लीव्स दैट स्टोर वाटर. उनकी जो लीव्स होती हैं वो वाटर को स्टोर करती हैं. जैसे कि हमारा कैक्टस, कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो वाटर को स्टोर रखता है अपनी लीव्स में. प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स डेट वी ऑप्टेन फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स. प्लांट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग ऑप्टेन करते हैं ट्रीज से और प्लांट से. ठीक है, एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, कॉटन, जूट, स्पाइसेस, वुड, मेडिसिन एक्सेट्रा. कितनी सारी चीजें हम लोग को देखिए प्लांट से मिलती हैं. वी कंज्यूम सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एज फूड इन अवर डेली लाइफ. हम रोज ये सब चीजें खाते हैं. We get energy from them. हमें इनसे क्या मिलती है, energy मिलती है. We use tea and coffee as beverages. हम लोग tea और coffee भी पीते हैं. We make clothes from cotton and jute. हम लोग clothes बनाते हैं cotton और jute से. We also make bags from jute. Spices add taste to our food. Spices गरम मसाले जिससे कि हमें खाने में taste आता है. Some plants like tulsi, aloe vera, ginger have medical properties. Tulsi, aloe vera, ginger ऐसे plants हैं जिनमें medical properties होती हैं. Wood can be used for making furniture. और wood हमारे यूज होता है furniture के लिए. तो अब आप ये सब देखिए कि plants हमारे लिए कितने useful हैं. हमें कितनी चीजें plants से मिलती हैं. Plant हमारी कितनी मदद करते हैं और कितने और plants कितनी varieties के होते हैं. Some important key points are, plants are grow in three places, land, water, desert. Water lily and lotus are grow in water. Cactus grow in desert. We get food, medicine, cotton, jute, etc. from plant. Plant release oxygen. Some roots hang down in the air are called aerial roots.
प्लांट्स हैव सिक्स पार्ट्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. वी ईट सम रूट्स, ऑनियन, स्वीट पोटैटो, टर्निप्स, जिंजर, गार्लिक, रेडिश, बीट रूट. स्टेम इज द सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट. स्टेम कैरीज द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट. लीव्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Cauliflower is a vegetable, but it is a flower. We eat some seed like kidney bean, rice, pea, wheat, apple. Thorns protect the plant from herbivores. There are 5 types of plants: herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. Herbs is a small plant, delicate stems and without woody tissues. Shrubs taller than herbs but shorter than trees. Trees are taller plant. Trees have thick and hard stems called trunk. Climbers have a very weak stem. Climbers have tendrils to climb. Climbers use external support to climb up. Creepers also have very weak, long and thin stems. Creepers grow on ground. Based on habitat, plants are divided into 3 types. Terrestrial plants are grow on land. Aquatic plants are grow in water. Desert plants are grow in high temperature and long dry season. Desert plants have thick flesh-like leaves that store water. The fastest growing plant on the world is bamboo. Banana is also called the happy fruit.